नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथार्थ के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आज्ञावश जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए। कहाँ चले गए? बोले मैं जा रहा खुलिया जा रही। जाते समय नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया, जा करके नवद्वीप वासियों को खबर दे दो, वो सब के सब मेरे से मिलने के लिए आए। पहले तो प्राण त्याग करने जा रहे थे, लेकिन आकाशवाणी ने बताए कोई चिंता मत करो, दो चार दिन अंदर में तुम लोगों से मैं मिलने वाला। इसलिए उन्होंने कठिन से उन्होंने प्राण धारण किया। जब श्रीमान नित्यानंद प्रभु वापस आ रहे थे, उसी समय में एकदम कृष्ण चिंता में डूबते हुए कृष्ण लीला की सब अनुकरणता कर रहे थे। बोले क्या अनुकरणता कर रहे थे? इसलिए जैसे कभी कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, कभी बस इंसान, इसलिए कभी वो बंसुरी बजाने का अभिनय करने लग जाते हैं, जैसे कभी लौट पोटू खाने लग जाते हैं। कभी कृष्ण जब सखाओं के साथ में गौए चराया करते थे, श्रीदाम वसुदेव मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन के साथ में, कभी कभी उसी भाव में आकर के गैया चराने का भाव में आकर के जैसे गैया चराने लग जाते हैं। कभी अपना भाव में अनंत भाव में कभी डूब जाते थे, कभी गंगा में छलांग लगा देते थे। ऐसे करते करते उन्होंने श्री नवद्वीप में सच्ची माँ के घर में आकर के उपस्थित हुए। जब उपस्थित हुए महाप्रभु संन्यास लिए हुए हो गया 12 दिन। कितना दिन हो गया? कहते 12 दिन हो गया। लेकिन जब उन्होंने घर में आए, देखा सची मैया 12 दिनों से भोजन ही किया। महाप्रभु का विरह में 7 दिनों से उन्होंने भोजन ही नहीं किया। 7 दिन से भोजन तो नहीं किया, चिंता कैसे रहे? बोले केवल महाप्रभु का चिंतन में है, केवल महाप्रभु का चिंता में ही वो किसी तरह से प्राण को उन्होंने रखे हुए। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देख लिया है, जब नित्यानंद प्रभु देख लिया, भैया कौन है? कहते स्वयं यशोदा है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु है, उनको कृष्ण बलराम दो भाई है, दो बेटे हैं। अभी उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देख करके सची मैया ने किसी तरह से उनको देख करके थोड़ी सांत्वना आई, और भक्ति की शक्ति में ही उन्होंने केवल प्राण को धारण किया है। और यशोदा की भाव में विवाहित होकर के मैया सची मैया अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, क्या बोलते हैं? कहते तुम लोग क्या मथुरा से आए हो? तो कृष्ण बलराम कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। इसलिए कहते क्या तुम लोग मथुरा से आए हो? कहो वहां पर मेरे लाला कन्हैया और मेरे ताऊ कई है, कैसे हैं? वहां पर कृष्ण बलराम कैसे वहां पर हैं? इतना बोल करके मैया सची मैया पछाड़ गई, वहीं पर गिर गया। देखो यहाँ पर कहते हैं ना, कहते जितने कृष्ण का लीला, राम का लीला, महाप्रभु का लीला, कहते हैं कहते प्रेम की दो पहलू है। कितना पहलू है? क्या है? एक विरह है और एक मिलन है। एक विरह है और एक मिलन है, दो पहलू है। इसलिए देखो जो जिसको जितना ज्यादा प्यार करता है क्या करता है? उसको पास में रहता है। पास में रहता ना छोड़ देता हूँ। जो जिसको जितना प्यार करता है इतना पास में रहता है, लेकिन हर लीला में देखो सब दूर हो जाएगा। राम लीला में जंगल में 14 साल के लिए जंगल में चले, और राम का विरह में जितने सारे अयोध्या वासी बोले हम ये अयोध्या में रह नहीं रहेंगे, हम तो साथ साथ चलेंगे, पूरा अयोध्या वासी चल पड़े। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? एकदम सरयू का किनारे जब सोए, बात सोने के बाद वही सही भगवान राम छोड़ करके राता रात चले गए भगवान राम, और वहीं से अयोध्या वासी बड़ी दुखी होकर के लौट गई। बड़े दुखी होकर के लौटे। रामलीला देखे होंगे कैसे श्री कैकेयी माता ने
बता कौशल्या फिर से राम चिंता में एकदम डूबी, मेरे बेटा चले गया कब आएगा कब आएगा, एकदम राम चिंता में डूबे थी। और दशरथ तो महाराज तो हाँ राम बोलते बोलते अपना प्राण पकड़ छोड़ दिया, प्राण उन्होंने त्याग दिया है, हैं पूरा अयोध्यावासी राम विरह में डूबे। उसी तरह कृष्ण लीला में देखो यही, कृष्ण भी क्या किया, कृष्ण भी छोड़ दिए, किसको ब्रजवासियों को छोड़ कर कहाँ चले गए, मथुरा, मथुरा से चले गए द्वारका। सारी ब्रजवासी जब उद्धव जी आए क्या देखा, बछड़े दूध नहीं पीते हैं, गैया घास नहीं खाते हैं, कोयले कूकते नहीं, मयूर केका नहीं करते, घर में सब रसोई जिस घर में बैठता है मकोड़े जहाज बना दिए, पूरा ब्रजवासी कृष्ण विरह में डूबे गए। और इतने आंखों से आंसू आ रहा था वो जाकर के यमुना नदी में जाकर के इतने विरह है। फिर देखो महाप्रभु भी क्या किया, नवद्वीप वासियों को इतना प्यार इतना प्रेम करता था, क्या किया उनको भी विरह समुद्र में डूबो करके भी चले। इसलिए सबके सब जितने देखो जितने भगवान का लीला है ना, सब लोगों ने अपना प्यारे भक्तों को छोड़ करके सबके सब गए और उनका विरह समुद्र में उन्होंने डुबा दिया है। इसलिए कहते प्रेम का दो पहलू, कितना पहलू है, दो पहलू है, एक विरह है और एक मिलन है। विरह से क्या होता, मिलन से क्या होता है, केवल सामने आमने सामने मिलते हैं कितना ही होता है, लेकिन विरह में क्या होता है, बोले जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण, जहाँ उनको आंख पड़ता है उधर ही भगवान भगवान, उधर ही ब्रज गोपियों का राधा रानी सारे सबके सब, जहाँ नेत्र पड़ता है उधर ही कृष्ण 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 केवल कृष्ण कृष्ण दिखता है, इसको किसवा कुछ जो उनको दिखता ही नहीं। और राधा रानी जब मैं को देखती है ना, मैं को देख कर कृष्ण मान लेती है, मैं को साथ में बात करती है, तमाम वृक्षों को देख करके कृष्ण मान करके उसका आलिंगन करती है राधा रानी। कभी कभी कृष्ण चिंता में इतने डूब जाती इतने डूब जाती, ऐसे मानती है जैसे मैं तो कृष्ण की गोद में बैठी, कृष्ण की गोद में बैठी हूँ, कुछ जब लीला कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती है ये तो कोई भ्रम नहीं, लेकिन भ्रम नहीं सच है, है? उसी तरह सची मैया पहला में सुना ना, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले आए, जैसे कोई तिथि आती है, तिथि में हमारे पिठा बड़ा बनता है, हमारे उड़िया में क्या बनता है पिठा, जैसे नवद्वीप में भी पिठा बड़ा बनता है, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या बनता है मिठाई बोलते हैं, जैसे कोई अच्छे त्योहार आ जाए ना उसमें जैसे मीठा पीठा कुछ बनाते हैं, इसलिए बंगाल में उसमें बड़े सुंदर सुंदर पीठा बनाते हैं, बना करके बड़े सुंदर सुंदर मैया सची क्या करते हैं ठाकुर जी को भोग लगाती, भोग लगा तुलसी का भोग लगा कर ध्यान करते हैं। अगर आज मेरे घर में मेरे बेटा अगर निमाई रहता तो कितना खुश होता, बोले मैया ये तूने जो पीठा बनाया ना बड़ा पीठा बड़ा स्वाद और प्राप्त हो गई, और कितने आदर से मैं देती और कितने खुश होकर निमाई मेरे खाता था, लेकिन अभी कहाँ चला गया। ऐसे चिंतन करते 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 सची मैया उसमें डूब जाती है, जब डूब जाती है महाप्रभु कहाँ रहते हैं पुरी में कबीरा, अब महाप्रभु भावना को समझते हुए पास नवद्वीप पहुंच जाते, पहुंच करके मैया जो भोग लगाती है ना महाप्रभु सब कुछ भोजन करते थे, जो भोजन कर लेते अरे मैया घंटे तक सोच रहे है, उसी महाप्रभु का चिंतन घंटे तक सोच रहे हैं, घंटे तक सोचते हुए जब जाकर ठाकुर घर देखती है ना थाला खाली कुछ है ही नहीं, फिर सची मैया सोचती हैं आज क्या मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, ये थाला खाली कैसे, क्या मैंने रसोई बनाया नहीं, फिर जाकर चूल्हा देखती है कि मुझे चूल्हा अगर रसोई बनाए ना और कुछ इधर उधर पड़ा हुआ चीज होता है, देखता नहीं सारा चिन्ह है सब पड़ा हुआ है इधर उधर में तो बनाया। फिर महाप्रभु पुरी से खबर भेजते बोले मैया आपको बोलना इसी तिथि में मैया ने ये चीज बनाई थी, और जब भोग लगाया ना और मेरे चिंता में डूब गई, मेरे निमाई होता तो कितने प्यार से खाता, इसलिए मैं गया था मैया को बोल देना, मैया सोचती है कभी कभी ये भ्रम है, लेकिन भ्रम नहीं मैं सचमुच से जा करके मैया का दिया हुआ वस्तुओं को मैं ग्रहण करता हूँ, मैया को बोलना ये भ्रम नहीं ये सच है, ये सच है। इसलिए महाप्रभु वहीं से खबर भेजते हैं
इसलिए यहाँ पर भी इसलिए कहते जो विरह है, विरह में क्या होता है, एकदम चिंतन करते 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 उसमें भक्त डूब जाते, चित्तों को डुबा देते हैं विरह है। इसलिए इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, लेकिन ऊपर से क्या देखो, भैया रो रही है, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, सारे अयोध्या वासी रो रहे हैं, लेकिन ऊपर से दिखता है रोना, ऊपर से दिखता है रोना, लेकिन अंदर में बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। जैसे अगर कभी कभी अगर हम ध्यान से हरिनाम करें, एकदम मन लगा करके हरिनाम करें, हरिनाम करते करते एकदम पूरा उसमें डूब जाओ, हैं, उसमें पूरा डूब जाओ हरिनाम करते करते, और इतना डूब जाओ आंखों से अगर आंसू आ जाए ना, क्या हुआ, आंखों से आंसू आया, लेकिन ऊपर से क्या देखता है, दुख है, लेकिन हृदय में अथाह आनंद है। आज भगवान का नाम लेकर के आंखों में आंसू आया है, इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, नयनम गलदस्तु धारया बदनम गदगद हृदय अलिया पुलक निचिंतम वपु पदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब ऐसे दिन आएगा जब तुम्हारी नाम को लेकर के आंखों का आंसू आंसू झरने लग जाए और नाम में डूब जाए, लेकिन ऊपर से क्या दिखता है आंसू, लेकिन अंदर में क्या हुआ, आज आज भगवान का नाम लेकर के आंखों से आंसू आए। इसलिए हम क्यों भजन कर रहे हैं, हंसने के लिए ना रोने के लिए, बोला हम हंसने के लिए भजन नहीं कर रहे, किसके लिए भजन कर रहे, रोने के लिए, है रोने के लिए। इसलिए हम गौर पिता ये बोली दुखी भाई हम कहते ना, इसलिए कांति व गोपन ने स्मरी दो कृपा करो, ऐसे कब आएगा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम को लेकर के हम उनकी कृपा को स्मरण करते रोएंगे, है कब हम रोएंगे। इसलिए हम हंसने के लिए भजन नहीं कर रहे, किसके लिए भजन कर रहे हैं, अरे बोला रोने के लिए, रोने के लिए सब आए, हाँ रोने के लिए आए, इसलिए लेकिन ऊपर से दिखता है तो रोना, लेकिन अंदर में अथा आनंद। इसलिए गुरुदेव एक सुंदर उदाहरण देते थे, गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे रामलीला आया है, रामलीला जो आता है, जब रामचंद्र पूरा अयोध्या को छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में, पूरा अयोध्या वासी राम विरह में रोते हैं, फिर जिस समय पाताल जिस समय सीता को विदाई देते हैं, लक्ष्मण जाकर सीता को छोड़ कर कहती है, और जिस समय सीता की पाताल प्रवेश होता है, मतलब इतना पैथेटिक सीन्स दिखाया, इतने सुंदर दिखाया, जितना समय तक वो लीला हुई ना, जो देख रहे थे वो लीला में इतने अभिभूत हो गए, इतने प्रभावित हो गए, 3-4 घंटा तक बैठ करके रोए, जो वो लीला को देखा वही रोए, इतना रोया 4 घंटा तक, बोलो रोए। लेकिन जब वो लीला खत्म हो गया, उनको पता चला यही लीला दूसरे गांव में दूसरे दिन भी होने वाला है, दूसरे दिन दूसरे गांव में भी होने वाला, क्या होगा, जितने लोग ये लीला देखे ना डर जाएंगे, इतना सुंदर दिखाया, चल चल जाएंगे सबके सब, क्या रोने के लिए जाएंगे, 4 घंटा यहाँ रोए, रात भर रोए, फिर वहां पर फिर रोने के लिए जाएंगे, हाँ रोने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ये ऊपर से तो दिखता है रोना है, लेकिन अंदर में अथाह आनंद है, मिलन का सर्प ऊपर भी नृत्य करता है, इसलिए ये आनंद है, लेकिन ऊपर में दिखता है जैसे रोना। उसी तरह ये सच्ची मैया इतने महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु जो घर में थे, सच्ची मैया की इतना सुस्ती थी, घर में तो बेटा है ही ना, बेटा तो घर में है, चिंता क्या, लेकिन महाप्रभु जो सन्यास ले लिया, लेकिन अभी सच्ची मैया दिन रात रोती है, उनका विरह में इतना चिंतन करती है, इसलिए लेकिन चिंतन करते तो किसको चिंतन कर रहे हैं, किसको, महाप्रभु का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हमारे चिंतन कैसे, देखो हम लोग कोशिश करते हैं हानि करेंगे, हानि करते समय ना पूरा हानि का जो मंत्र है वो मंत्र में आज मन को एकदम डुबो देंगे, एकदम उसको चिंतन करेंगे, वास भूर भूर बोले हाँ सोचे, उसको बाद में मन है ही नहीं, 10 मिनट बाद में याद आया है तो हम मंत्र जब कर रहे थे, मन तो कहीं चला गया, हम कोशिश करते हैं मन को लगाने के लिए, लेकिन मन हमारी लगता नहीं, लेकिन विरह में क्या होता है, हैं, इसलिए विरह में क्या होता है, जिस समय उद्धव जी ने ब्रज में गए, हैं, गोपियों को बोले
अरे कृष्ण परमात्मा परमेश्वर भगवान वो है नहीं, कहा क्यों रो रहे हो, देखो वे क्यों रो रहे हो, वो है नहीं कहा बताओ, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, जहाँ उनको याद करके वही आएंगे, वो थोड़ी ऐसी जगह में रहने वाले, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, कहा नहीं भगवान का सर्वत्र उसकी अस्तित्व है, इसलिए उनको ध्यान करो ना। तब गोपियां क्या कहती, हम तो उसको, तुम कहते उसको तो ध्यान करो, हम तो उसको भूलना चाहते, हम उसको भूलना चाहते, काले याद नहीं आए, वो काले को हम भूल जाना चाहते, लेकिन हम आंखों को बोलते हैं भैया कृष्ण के सिवाय और सब चीज को देखो, लेकिन आंखों में तो वो काला छोड़कर और कोई चीज आती नहीं। कान को समझाते हैं कन्या की बंसुरी को मत सुना करो, लेकिन आता है तो उनकी आवाज आती है। जीवा के कहते तो कृष्ण नाम ही मत लो, लेकिन आता है तो उसकी नाम ही आता, और कोई आता ही। इसलिए यहाँ पर देखो क्यों महाप्रभु जिनको इतने प्यार करते हैं, फिर इनको क्यों छोड़ कर, यही कारण है उनको इससे मिला है रस नहीं है, तो दिखता है ऊपर में जिसे रोना, फिर अंदर में दिव्य आनंद है, दिव्य कथा आनंद है। हम वो चीज को वही जानते हैं जो जिसको जितने भक्ति की अनुभूति है, वही केवल इसका महत्व वही जानते हैं। इसलिए भैया स्वच्छता यहाँ पर महाप्रभु की चिंतन करते करते मूर्छित हो जाए, अगर हम कृष्ण चिंता करते करते मूर्छित हो जाए, इससे बढ़िया चीज कुछ हो सकता है, आज प्रभु की याद करते करते हमने आज मूर्छित हो गए। इसलिए यहाँ पर फिर महाप्रभु क्या देखती है, सची मैया क्या देखती, मूर्छित होकर के कहते कृष्ण तो बंसुरी बजा रहे हैं और श्रृंगार बजा रहे हैं कृष्ण, फिर मैया सची मैया फिर उनको होश जब आती है, फिर मैया कहती है वो अक्रूर तो दो बार नहीं आ गया, क्योंकि कृष्ण बलराम को कौन लेकर चले गए, अक्रूर, इसलिए ब्रजवासी कहते अक्रूर नहीं हो क्रूर, वो अक्रूर नहीं हो क्रूर, उनने ब्रजवासियों को विरह समुद्र में डुबो करके और उन्होंने हमारे कृष्ण बलराम को लेकर चले गए, वो क्रूर है। इसलिए यहाँ पर मैया सची कहती हैं अक्रूर दो बार तो नहीं आ गया है, दो बार तो इतना कृष्ण चिंता में डूबी, यही चीज को देने के लिए महाप्रभु यहाँ से गए, जैसे सारे नवद्वीपवासी मेरी चिंता में करते करते मेरी चिंता में डूब जाए है, मेरी चिंता में डूब जाए। कितने में श्री नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु सबको सांत्वना दिया, सांत्वना दे करके सबको बोले देखो सबके सब चलो, अभी महाप्रभु कहाँ पर, अभी अलिया से शांतिपुर जाएंगे, वहीं पर महाप्रभु को साथ में मिलन होगा, सबके सब चलो महाप्रभु से दर्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर तुम लोगों को खबर देने के लिए आया हूँ। इसलिए अभी की खबर को पा करके जितने भक्त लोग थे ना जो दुखी हो गए थे, उनको थोड़ी सी तसल्ली मिला है, तसल्ली मिला, फिर माँ के माँ को सांत्वना दिया, मैया को कह रही बोले सची मैया तुम कितने भाग्यवान हो है, कितने भाग्यवान, बोले क्यों, बोले महाप्रभु कौन है, ये त्रिभुवन का मालिक, त्रिभुवन का मालिक, तेरा बच्चा बन कर आया, तेरी भाग्य का कोई सीमा नहीं, जैसे उद्धव जी गए ना, उद्धव जी जाकर के नंद बाबा को समझाए, बोले आप कितने बड़े भाग्यवान हो जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारा बेटा बन करके आए है, इसलिए बोले तू बड़े भाग्यवान हो। हाँ, और महाप्रभु जिस समय जा रहे थे, महाप्रभु क्या बोल कर गए थे, क्या बोल बोलो, महाप्रभु जब गए सची मैया को क्या बोल कर गए थे, और क्या बोल, और क्या बोल बोलो, और क्या बोले, महाप्रभु से बोले, इसलिए महाप्रभु ने विशेष करके बोल कर गए थे, बोले भैया तुम्हारी जो दायित्व ना मेरे ऊपर, तुम सोच रही ना मैं जा रहा हूँ, एक एक बेटा तो पहले साधु होकर के चला गया, पिता तो पहले स्वर्गवास हो गए, हाँ वैकुंठवास चले गए, अभी तुम अकेला धरा मेरे आँख के मणि हो तू है, बुढ़ापा में लठिया तू हो, अभी तू अकेला था जा रहे हो, मेरे क्या होगा। लेकिन महाप्रभु बोले भैया कोई चिंता मत करो, तेरे जितने सब दायित्व मेरा है, तेरे सारे दायित्व मैं बहन करता हूँ है, महाप्रभु ये बात बोल कर गए थे।
इसलिए बोले भैया इसलिए तू चिंता क्यों करते हो, रसोई बनाओ है भैया, रसोई बनाओ, और जितने वैष्णव लोग आए ना तुम्हारे हाथ की प्रसाद बना चाहते, इसलिए फिर ये बात सुन करके सची भैया ने गई, बड़ी सुंदर उन्होंने रसोई बनाए, रसोई बना करके भगवान को भोग लगवाए और सारे भक्त लोग बैठ करके सबके सब बैठ करके भोजन किए। अभी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, कद बाल वृद्ध स्त्री पुरुष जो लोग महाप्रभु के यहाँ तक जो पाखंडी लोग थे जो महाप्रभु को निंदा कर रहे थे वो भी तैयार हुए। फिर वो लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, हमने क्यों महाप्रभु का निंदा किया, हमको पहचान होना पड़ेगा। फिर उन्होंने भेला बनाए, कुछ लोग नाव में बैठे, लेकिन करते करते जब 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 गंगा के बीच में गए ना, नाव में इतना लोग बैठ के नाव ही डूब गया। देखा कि गंगा ने कितना बड़ा नवदीप, गंगा कितना बड़ा विशाल और कितना स्रोत बीच में है, कितना स्रोत है। करते करते नाव क्या हुआ, सबके सब डूब गए। डूब गए तो क्या होगा, लोग भी डूब जाने चाहिए, लेकिन सबके सब देखा लोग डूबा अपने आप चरा गए, और कुछ लोग तो डूबने पर भी अपने आप तैर रहे, अपने आप भास रहे थे। जो जो तैरना नहीं जानते वो अपने आप डूब नहीं रहे थे, क्यों, महाप्रभु का नाम लेते हैं, जीव भगव सागर से तर जाते हैं। और ये साधारण गंगा छोटी सी गंगा है गंगा, और महाप्रभु का दर्शन के लिए सबके सब जा रहे हैं ना, सबके सब भास रहे थे, इसलिए कहते ईश्वर कृपा पात्र है, सबके सब महाप्रभु का कृपा पात्र है, सबके सब पुलिया में पहुंचे, और जितने भक्त लोग थे ना सबके सब बाहर महाप्रभु को दर्शन करने के लिए सबके सब निकाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ब्रज सचिनंदन गौर हरि की जय। सारे भक्त लोग हरि ध्वनि कर रहे थे, हरि बोल, इसलिए बोले की अपूर्व सुवासे कहिले किछु नाए, कोटि चंद्र है नासे करि लउ दय। पर इन लोगों का कोलाहल सुन करके श्रीमान महाप्रभु जो अंदर में थे बाहर आए, जो बाहर आए भक्त लोग नवद्वीप में एक रूप दर्शन किया था, कैसे रूप, सफेद कपड़े में महाप्रभु का सुंदर उनकी जो घुंघराली केस दर्शन किया था, लेकिन उन्होंने और एक रूप में दर्शन कर, किस रूप में, एकदम गौरी के वस्त्र है और महाप्रभु मुंडित मतलब संन्यास वेश है, संन्यास वेश में, और महाप्रभु का रंग एकदम कच्चा हल्दी जैसे रंग है, महाप्रभु गौरव वर्ण है और एकदम गौर गौर जो कपड़ा है कौरिक कपड़ा है। यहाँ पर कह रहे हैं बोले कोटि चंद्र है नासी करि लउ दय, ऐसे लग रहा था जैसे करोड़ चंद्र आकर के वहां पर प्रकट हो गए, इसलिए बहु कोटि चंद्र दिनी बदन उज्ज्वल, इतने सुंदर महाप्रभु दिख रहे थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे। और महाप्रभु क्या कह रहे थे, मुंह में महाप्रभु का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, उनको आंखों से आंसुओं की झरी बह रही, और महाप्रभु को दर्शन करते भक्त लोग प्रणाम करेंगे, लेकिन वहां पर तो अनंत भक्त लोग आए, लेकिन प्रणाम करने के लिए अगर ज्यादा लोग हो ना सब खड़े हुए एकदम ठसाटस भरा हुआ जगह है प्रणाम करने के लिए, प्रणाम के लिए जगह नहीं रहेगा, लेकिन एक ऊपर दूसरे गिर रहे थे, जैसे यहाँ पर भक्त लोग होते हैं ना प्रणाम कैसे करेंगे, बस एक को दूसरे पर एक कोपर गिर रहे थे, गिर कर उसके ऊपर में प्रणाम कर रहे थे, और महाप्रभु का दर्शन करके मुख चंद्र दर्शन करके अब कोई घर में वापस जाना नहीं चाह रहे, हमको साथ में हम चले हैं, सब हम लोगों को साथ में ले चलो, जैसे अयोध्या वासी राम को साथ में बोले प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं, हमको साथ साथ में चलेंगे, सारे नवद्वीप वासी है सबके सब जाने के लिए तैयारी है। बोले तब प्रभु कृपा दृष्टि करिया सवारी, चली ले ने शांतिपुर आचार्य से हैं शांतिपुर, महाप्रभु ने इतने भक्तों को संन्यास लेकर कहाँ लेकर जाएंगे, इसलिए महाप्रभु जब चल रहे थे ना महाप्रभु को शांत में लख कोटि लोग चल रहे थे, महाप्रभु इस समय उन्होंने आए कहाँ पर, जब अरे राम के लिए उस तरफ जब आए, जब श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले, बोले महाप्रभु आप वृंदावन जा रहे हो, आपको साथ में इतना लोग जा रहे हैं, ये वृंदावन जाई वार की नहीं परी
परिपाटी, कहते वृंदावन जाने का ये परिपाटी, क्योंकि वृंदावन क्यों जा रहे हो, हम कृष्ण प्रेम में दिन रात कृष्ण प्रेम में हम डूबे रहेंगे, कृष्ण भक्ति में हम सराबर रहेंगे, इसलिए तो जा रहे हो ना। अगर इतना लोग जाएंगे तो भैया कहाँ रहेंगे, इनको क्या खिलाएंगे, कौन कहाँ पर रहे, क्या हुआ नहीं हुआ, इनका तो चिंता करते 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 समझ इसमें, फिर कृष्णा चिंता में डूबो कैसे, महाप्रभु का चिंता में डूबो कैसे। इसलिए महाप्रभु क्या किया उन्होंने, सबके सब भक्तों को वहीं पर आश्वासन दे करके, सारे भक्तों को महाप्रभु वहीं आशीर्वाद दे करके, हैं, दे करके सबके सब वहीं पर उन्होंने महाप्रभु सब भक्तों को वहीं पर विदाई दिए और वहीं से ही चले। कहां पर चले, शांतिपुर चले। जब शांतिपुर चले, इतने में जब शांतिपुर में जो भक्त लोगों ने दर्शन किया, और अद्वैत आचार्य जी का छोटा बेटा था जिसका नाम था अच्युतानंद, वो अच्युतानंद खेल रहा था, वो खेलते खेलते सारा शरीर में धुला धुसरित है, सारे धुला धुसरित, इतने में वो एकदम धुला धुसरित अवस्था में आ गया महाप्रभु के पास में। महाप्रभु बच्चे को गोद में उठा लिया, उठते उठा लिया, इतने में महाप्रभु को उठाने के बाद इतने पूछ रहे हैं, कहते ये जो अद्वैत आचार्य ना, महाप्रभु बोले ये हमारी नित्यानंद और मेरे हमका जो पिता है ये अद्वैत आचार्य, जो उन्होंने ऐसे बोले तब वो अच्युता छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बोले क्या अद्वैत आचार्य हम दोनों को पिता है कैसे है, बोले हम तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव, और सारा दुनिया की पिता तो आप ही हो, आप कह रहे हो आपका पिता अद्वैत आचार्य जी, असत संभव कैसे, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, और किस समय और कभी आएगा, जिस समय जब श्री महाप्रभु आए अद्वैत आचार्य बैठे हुए, अद्वैत आचार्य गोद में ये अच्युतानंद बैठा हुआ छोटा बच्चा बैठा हुआ था, इतने में अद्वैत आचार्य को किसी ने पूछा महाप्रभु का गुरु कौन है, बोले ईश्वर गुरु, भड़क उठा गोद से खड़े हो गए, बोले क्या, जो विश्व ब्रह्मांड का कृष्ण बनते जगत गुरु, दुनिया का जो गुरु उठता वही गुरु है, आप प्रमाणिक व्यक्ति होकर कैसे बोल रहे हो महाप्रभु का गुरु ईश्वर गुरु कैसे बोल रहे हो। अद्वैत आचार्य सुन करके ना इतने खुश हुए, सचमुच ये मेरे बेटा, इसलिए अद्वैत आचार्य के तो तीन चार बेटे हैं, लेकिन उन्होंने केवल एक दो बच्चे को ही बच्चे रूप में स्वीकार किया और बच्चों को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, क्यों, अद्वैत महाप्रभु का जो धारा है वो धारा में वो लोग गए नहीं, वो एक अपसंप्रदाय जैसे सृष्टि कर दिया। अद्वैत आचार्य जो कहते हैं स्वयं कृष्ण है, महाप्रभु श्री राधा रानी, महाप्रभु राधा रानी अद्वैत आचार्य ये स्वयं कृष्ण है, इसलिए एक और एक संप्रदाय उन्होंने बनाए, लेकिन केवल जो अच्युत है केवल उनकी धारा को अच्युतानंद ही सही सही रूप में ग्रहण किया, इसलिए अद्वैत आचार्य बोले सो मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरा बच्चा तो केवल अच्युत ही मेरा बच्चा है। इसका मतलब है वही शिष्य शिष्य है जो गुरु जी का आदर्श को जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण नहीं करता है वो शिष्य होने पर भी वो शिष्य नहीं। अभी जितने भक्त लोग थे कहते है नहीं समय श्री अनंत नित्यानंद आईला नदिया है ते सब संगे भक्त वृंद, जितने श्री वास आदि भक्त लोग हैं सबके सब महाप्रभु को जो जो लोग गए थे अद्वैत आचार्य के घर में, कुछ सीमित भक्त थे श्रीवास आदि जितने भक्त लोग थे, सची मैया थी, सबके सब महाप्रभु को प्रणाम किया, महाप्रभु ने सबको आलिंगन दिया, आलिंगन दे करके महाप्रभु ने सबको प्यार दिया, और इतने में महाप्रभु बड़े सुंदर नृत्य किया है और सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, बोले धरिया बोले ना नित्या नंद महाबली अलखित अद्वैत एना पद तो धरिया बोले ना नित्या नंद महाबली अलखित अद्वैत एना पद तो। महाप्रभु क्या कर रहे थे, महाप्रभु नित्य कीर्तन कर रहे थे, लेकिन अद्वैत आचार्य क्या कर रहे थे, अलग रूप में
महाप्रभु का चरण धूल ले रहे थे, महाप्रभु का चरण धूल ले रहे थे। अश्रु कंप पुलक ओंकार अटहास की वास अद्भुत अंगर भंगिर प्रकाश। जब महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे उनके शरीर में अश्रु कंप पुलक ओंकार महाप्रभु का जो अटहट हास्य कर रहे थे, कहते उनका शरीर में जो अष्ट साथी का पिकार आ रहा था, कहते क्या अद्भुत उनकी दिव्य स्वरूप था। इसलिए प्रभु के पुनः पुनः सब इसलिए भक्त लोग भगवान को पा करके उनको साथ नृत्य करते करते भक्त लोग का जो विरह था वो विरह दूर हो गया सबके सब। बोले अपने ठाकुर तवे धरी जने जने सर्व वैष्णव करे प्रेम आलिंगन। महाप्रभु सब भक्तों को प्रेम का आलिंगन दे रहे थे। ऐसे उन्होंने जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं, महाप्रभु श्री श्रीवास अंगन में रहते समय जैसे वहां पर कीर्तन करते थे वही यही पर प्रकट हो गया। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, निरंतर कीर्तन करते करते उनने जो विष्णु का जो खटिया था महाप्रभु उसको ऊपर महाप्रभु जा करके बैठ गए। बैठ करके महाप्रभु फिर अपना तत्वों को बोलना शुरू कर दिया। बोले मैं कौन हूँ, कद मैं वही द्वैतृतीया जी में जो राम, मैं वही राम हूँ। बोले मैं और कौन हूँ, बोले जिस समय प्रह्लाद को रक्षा करने के लिए मैं ही नरसिंह अवतार लेकर के मैंने हिरण्यकश्यप को मैंने ही बंद किया, इसलिए अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सबके सब मेरे अंदर में। और मैं कौन हूँ, बोले जिस समय में द्रौपदी लज्जा है ते मोई उधारी लो। द्रौपदी की उम्र में जब विपत्ति पड़ी, दुशासन ने जब उसको विवस्त्र करना चाह रहा था उस समय में, जब हा गोविंद राख शरण अब तक जीवन हारी, जब उन्होंने दोनों भुजाओं उठा करके मेरे को उसने पुकारा, मैं ही साहिब बन करके वहां पर प्रकट हुआ, तो मैंने ही हुआ था। इसलिए और जिस समय है जिस समय पंच पांडवों के लिए जद्दू गृह क्या जो लाख्या गृह बनाया था, दुर्योधन ने लाख्या गृह बनाया था उनको मारने के लिए, बोले उनको क्या किसने रक्षा किया, बोले उनको मैंने ही वहां से रक्षा किया है। इसलिए कहते बृकासुर को किसने वध किया है, बोले मैंने ही वध किया है। और मैंने रखकर किसको रक्षा किया, बोले शंकर को रक्षा किया। किसको रक्षा किया, कैसे? इसलिए कहते जो बृकासुर था उसने एक दिन नारद जी को भेटे, मिल करके बोले नारद जी ये बताओ जगत में ऐसे कौन सा देवता है जो जल्दी से जल्दी खुश हो जाते। नारद जी बोले ऐसे देवता तो भोले बाबा है, इनका नाम ही भोला बाबा, भोले बड़े भोले बाबा है, थोड़ी सी से खुश हो जाते वो बहुत जल्दी खुश हो जाते। उनने क्या किया, बस शंकर जी को उपासना करने लगे, तपस्या किया, लेकिन शंकर जी प्रकट नहीं हो रहे थे। अभी तक भी शंकर जी प्रकट नहीं हो रहे थे। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करके शरीर का जो मांस है ना उसको काट काट करके यज्ञ में आहुति दे रहा था, तब भी शंकर जी खुश नहीं हुए। बोले अभी भी खुश नहीं हो रहे, तलवार निकाला और अपना केस पकड़ करके बोले ये गला ही काट करके मैं आहुति दे दूंगा। जो आहुति देने के लिए गया ना शंकर, तो ये क्या कर रहा है। इतने में शंकर जी प्रकट हो गए, बोले परम ब्रूही तृप्त अस्मि, परम आगो क्या चाहते हो। बोले मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रखो वही जल करके राख हो जाए। शंकर जी बोले तथा। बृकासुर ने देखा शंकर तो दिन भर आंख बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन उनको बाम पास में जो पार्वती वो बहुत सुंदर थी, पर्वत कन्या वो पार्वती मृगनी बहुत प्यारी सुंदर थी। तो चे ये तो दिन भर आंख बंद करके बैठा रहता है, इतना सुंदर स्त्री को लेकर कर गया है, किसी तरह से इसको हरण करना चाहिए। लेकिन शंकर जी रहते हुए इनको तो हरण कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए पहले शंकर जी को मारना पड़ेगा। लेकिन मारेंगे इसे, युद्ध करके तो शंकर को मार नहीं सकते, और वर ले लो जिसके सर पर हाथ रखेंगे वही जल करके राख हो जाएगी। बस शंकर जी को पहले मारूंगा फिर तो पार्वती को हड़प लूंगा। जब शंकर जी तथास्तु बोल दिए, बोले शंकर जी आपने तो वरदान दिया लेकिन परीक्षा कहाँ करें, परीक्षा आपका सर पर। बोले मेरे सर पर, मैंने भर दिया मेरे सर पर। बोले किसे सर पर, वहां शंकर जी को सर पर हाथ रखने के लिए दौड़े। शंकर तो प्राण को लेकर भागे वहां से, वहां से भागे और पीछा नहीं छोड़ रहा था किसी तरह से।
अरे भगवान कहाँ किसको मैंने बर दिया, कहाँ बच गया, इतने में भगवान को स्मरण किया, हे प्रभु मेरे को रक्षा करो, ये दुष्ट से मेरे को रक्षा करो, इतने में भगवान एक बालक बनकर प्रकट हो गए। बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले शंकर जी ने मेरे को वरदान दिए, जिसके सर पर हाथ रखूंगा वही जल करके राग बन जाएगा, मैं परीक्षा करना चाहता ही भाग रहे। बोले वो भी पागल और तू पागल, दोनों ही पागल एक साथ में मिले। अरे जब से दक्ष प्रजापति इनको अभिशाप दिया है ना, तब से इसका अभिशाप में कोई दम नहीं रह गया, सब खत्म हो गया, इसलिए तभी तो भाग रहा है, जानता झूठ मूठ बोल दिया तुमको, अभी हाथ दोगे तो जलेगा नहीं, वो पता चले जाएगा, तभी तो भाग रहा है ना, इतना समझ में नहीं आ रहा है। बोले तुम अपना सर पर हाथ रख करके परीक्षा कर लो। बोले जल जाऊंगा तो? बोले पागल, अरे देखो थोड़ा दूर में हाथ रखना, थोड़ा दूर में हाथ रखना, गर्मी आएगा ना, गर्मी हाथ से हटा देना, हाथ रखो हाथ रखना। बोले कोई गर्मी आ रहा है? बोले कुछ नहीं आ रहा है। बोले कुछ नहीं होता है, सब झूठ मूठ बोल दिया। बोला और नीचे रखा, नीचे कर दिया। बोले कोई गर्मी आ रहा है? पहले जलने से पहले गर्मी आएगा। बोले कोई गर्मी? बोले कोई गर्मी गर्मी कुछ भी नहीं। बोले झूठ बोल दिया ना, हाथ रखकर देखो, बाद हाथ रखा तो वही जल करके राख हो गया। इतने में शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा त्रिकासुर शंकर जी को, बोले इससे वरदान देने से पहले थोड़ा सोच करके दिया कर, अरे ऐसे वरदान दे तो खुद भी फंस जाते, फिर मेरे को बुलाते। बोले प्रभु मैं तो भोला हूँ, मेरे को ये दुष्ट लोग मेरे को पसंद नहीं, हाँ मेरे को पता है ना, आप भी है ना, मेरे को पता है कोई विपद पड़ गया तो आप मेरे को रक्षा करो, इसलिए मैं निश्चिंत होकर वरदान दे देता हूँ, फिर आपको मेरे आना पड़ता है। रावण 10 बार सर गाड़ दिया, सीता को डर ले गया, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं मैं ही शंकर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, गजेंद्र ग्रह को है, जब गजेंद्र ऊपर में कोई विपत्ति पड़ा किसी ने रखा गया, मैंने, जब प्रहलाद के ऊपर विपत्ति पड़ा मैंने रखा है, गोप वृंद किसने रखा कर मैंने, मैंने स्वयं मिट्टी भक्षण करके अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैंने मैया को दिशा दिखाया, कंस को रावण को मैंने ही संहार किया, गिरिराज गोवर्धन मैंने धारण किया, काली के सर पर मैंने ही नृत्य किया, अभी मैं संप्रति है संप्रति आए लोग कीर्तन कर कीर्तन प्रकाश है, अभी वही मैं जगत में कीर्तन धर्म प्रकाश करने के लिए अभी मैं आया हूँ, इसलिए मैं ही हर युग युग में मैं ही अवतीर्ण होता हूँ। तो महाप्रभु यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, कैसे भगवान भक्त वत्सल है, यहाँ पर बहुत सारे श्लोक है, कल हम लोग सुनेंगे महाप्रभु कैसे भक्तों को हर विपत्तियों से कैसे रक्षा करते हैं, भक्त ही कैसे भगवान का प्राण है, एकातु भक्त जीवन कल हम श्रवण करेंगे। पंचाकुल दुर्भस्य कृपा सिद्ध भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे I'm
गौर ब्रह्मानंद हरि हरि और वृंदावन गए, वृंदावन गए, तल पाड़ी थी ना तेरे का।